झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को देने का फैसला किया है। इसके तहत अब प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को मुखिया के माध्यम से ही छुट्टी मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों के डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को छुट्टी भी पंचायत स्तर से ही दी जा सकेगी। मुखिया के जरिए इनकी उपस्थिति का विवरण सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। इसी के आधार पर डॉक्टरों का वेतन भुगतान होगा, जबकि खुद सिविल सर्जन को आकस्मिक अवकाश जिला परिषद अध्यक्ष देंगे। साथ ही विद्यालय में चल रहे मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण अब ग्राम पंचायत स्तर से किया जाएगा। इसके लिए हर वार्ड में एक समिति का गठन होगा। इसमें वार्ड सदस्य के अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। पंचायती राज को मजबूती देने की दिशा में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 मामलों पर मुहर लगी, जिसमें पंचायत राज को मजबूती देने के साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही गोविंदपुर बरहेट साहेबगंज रोड के लिए 1367 करोड़ रुपए की राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनीष, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार ने यह पहल की है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? झारखंड कैबिनेट का ये जो निर्णय था, इसे पिछला जो झारखंड दर्शन के बाद जो पंचायती चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, उसको लेकर के लगातार ये शिकायत हो रही थी कि पंचायत चुनाव तो झारखंड में करा दिए गए लेकिन अधिकार अब तक नहीं दिए गए। ऐसे में एक बार फिर जब राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, सरकार का ये निर्णय काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर पंचायतों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो फंक्शन है वो किसी काम का नहीं रहेगा। यही वजह है कि आप देखिए, चाहे वो मुखिया को के जरिए शिक्षकों का लीव की बात हो या फिर मिड डे मील के जो भोजन जो दिए जा रहे हैं स्कूलों जी, उसको हर महीने चेक करने की बात हो, A&M को छुट्टी देने की बात हो, इस तरह के तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है अब झारखंड सरकार के द्वारा, इसका सीधा लाभ ये मिलेगा। जो लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि स्कूलों में शिक्षक नहीं जाते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्स नहीं मिलते हैं, तो इन तमाम चीजों पर कम से कम एक रोक लगेगी, क्योंकि अब अधिकारियों के भीतर, शिक्षकों के भीतर एक डर होगा कि अब उन्हें जो पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जो मुखिया हैं, उनसे अब उनको एक अनुमति लेनी पड़ेगी। ये तमाम चीजों से फर्क तो जरूर पड़ेगा और सरकार का ये जो निर्णय है इसे काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड जैसे राज्य में जहां पर लगातार ये बातें आती हैं कि अधिकारी जो है वो गाँव में जाकर के काम करने को तैयार नहीं। जी जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और भी मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए ये संकल्प लिया है। आपको बता दें, साक्षरता विभाग और शिक्षा विभाग पर अब पंचायती राज का नियंत्रण होगा।